मैंने भी आकाश, वेलकम टू माय चैनल। तो आज भाई मैं आपको कुछ मारुति 800 के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ कि अपनी गाड़ी लेने में क्या क्या फ़ायदा है, और फ़ायदा ही बताऊंगा यार, नुकसान तो मैं कुछ बताऊंगा नहीं इस गाड़ी के बारे में। सबसे पहला फ़ायदा हमारा ये है कि हमें बहुत कम बजट में बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल गाड़ी मिल जाती है, बहुत पावरफुल गाड़ी मिल जाती है हमारे अकॉर्डिंग। मतलब ये तो नहीं कह सकते यार, इंजन इसका काफ़ी, मतलब 800 सीसी का 796 सीसी का होता है वैसे तो, बहुत ही कम बजट में यार, चीप प्राइस के अंदर ये वाली हमें गाड़ी मिल जाती है। सबसे पहला बेनिफिट हमारा ये वाला। सेकंड बजट हो जाता है हमारा भाई कम बजट के अंदर, गुड लुक्स, गाड़ी बहुत छोटी और गुड लुक्स के साथ हमें ये मिल जाती है, तो भाई ये वाला भी हमारा एक बेनिफिट है। ये बहुत अच्छे लुक्स मिलते हैं यार इस गाड़ी को, अपने मन से ना किसी भी तरीके से मॉडिफाइड करा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप कैसे भी इंस्टॉल करा सकते हो यार, और आप कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन कराओगे ना, इस गाड़ी का थर्ड प्रॉफिट जो है, कोई भी आप मॉडिफिकेशन करा लो भाई, मॉडिफिकेशन जब आप करा लोगे ना गाड़ी को 100% वंदे रोड पे देखेंगे ही देखेंगे। क्योंकि यार एक तो इसका छोटा सा ये लुक, मतलब गाड़ी जो छोटी है लेंथ में और हाइट में डेप्थ में ये छोटी है, एक तो ये वाला लुक, ऊपर से मॉडिफिकेशन हो जाता है गाड़ी के अंदर, अलॉय व्हील्स वगैरह लगा दे तो यार अल्टीमेट, मतलब मज़ा ही आ जाता है, बंदा मुड़ के ज़रूर देखेगा, मुड़ के नहीं देखेगा यार, सामने से भी आप निकल के जाओगे ना, आई कैप्चर्ड हो जाती है। और भाई फ्रंट के जो लाइट्स हैं, अगर आप इसमें मतलब LED या प्रोजेक्टर वगैरह इस तरीके का, नहीं अलग ही लुक आता है भाई गाड़ी का। और हमारे जो प्रॉफिट है, मतलब ये चीज़ इलीगल है वैसे तो यार, फिर भी मैं बता रहा हूँ, जो भाई कुछ ऐसे होते हैं 800 लेने के बाद शीशे काले वाले करा लेते हैं, और भाई छत काली करा लेते हैं, ठीक है भाई, छत काली करा लेते हैं, शीशे काले करा लेते हैं, पीछे से ये जो देखें सस्पेंशन नहीं, ऊपर को उठवा लेते हैं, इससे मतलब है तो इलीगल, मैं इसको बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मगर भाई इससे ना गाड़ी में और ज़्यादा इंप्रेसिव लुक्स आ जाते हैं गाड़ी के अंदर, और भाई गाड़ी अलग ही लगती है कुछ यार, हाँ कोई छोटी सी चीज़ है गाड़ी है, और भाई एकदम आई कैप्चर्ड हो जाती है, ठीक है भाई। ये तो हो गए बाहर की चीज़ें मैंने आपको सारी दिखा दी, लुक्स हो गए बाहर के हमारे प्रॉफिट हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से क्या प्रॉफिट है हमारे गाड़ी के अंदर। गाड़ी में जब आप बैठेंगे, गाड़ी में बैठने में यार कोई भी ऐसा फील नहीं आता, मतलब मेरी हाइट जो है 5'8" है, ये मेरा फ्रेंड है, इनकी हाइट है 6 फुट, पूरी 6 फुट हाइट है। गाड़ी के अंदर बैठने में भाई इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं होती कि हमारी हाइट है ज़्यादा है कम है, कोई मतलब इनसिक्योर फील, या हम भीचे बैठे हैं तब के बैठे हैं, ऐसा कोई भी फीलिंग नहीं आती है। गाड़ी यार आराम से, मेरी हाइट 5'8" है, पैर देख लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेयरिंग में नहीं टकर रहे, मैं कहूँगी स्टेयरिंग में टकर रहे हैं यार, कुछ भी नहीं भाई, खुला बैठा हूँ एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर में भाई ये खुले बैठे हैं यार। तो यार अंदर के ना प्रॉफिट ये वाले हैं। इसके अलावा क्या प्रॉफिट है भाई, जब आप गाड़ी चलाओगे ना, छोटी सी गाड़ी है कहीं ले जाओ भाई, मैं कह रहा हूँ मज़ा आ जाता है गाड़ी के अंदर, छोटी गाड़ी प्लस मेंटेनेंस, लो मेंटेनेंस गाड़ी है, बहुत लो मेंटेनेंस। आप ये समझें कि आप कोई बाइक ले रहे हैं, हाई एवरेज वाली बाइक लेना, जिसका एवरेज 20-25 या 20 इस तरीके का, मतलब एक एवरेज वाली बाइक चला रहे हैं आप, सर्विस कराएंगे कोई मेंटेनेंस नहीं आता, ये सर्विस भी लो चार्ज में हो जाती है। तो भाई अंदर के ये वाले प्रॉफिट है। अब आ जाओ मॉडिफिकेशन पे, मैंने तो यहाँ पे ये ब्लूटूथ स्टीरियो लगवाया हुआ है, अगर यहाँ पे बहुत से भाई क्या कराते हैं डबल डिन लगवा लेते हैं, यार मैं भी लगवाने की सोच रहा हूँ, वैसे आप मुझे कमेंट में बताना मुझे लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए। भाई डबल डिन से और ज़्यादा लुक्स आ जाते हैं गाड़ी के अंदर, अंदर से और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है गाड़ी, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है इसके, आराम से बंदा खुला बैठता है, दो बंदे यार, मतलब टीनएजर बड़े बंदे दो, आराम से 4 बंदे इसमें खुल के बैठते हैं, और खुल के यार जाती है गाड़ी, भागती है। तो भाई ये वाले फ़ायदे हैं हमारे मारुति 800 के। तो भाई बताना यार कमेंट में वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।